कहाँ लेके जाएगा, कि वकालत सोचेंगे वहां जाएंगे। सारे वकील राजनीति में भी पहुंचे हैं, जो अच्छे लोग हैं कई सारे, वहां पहुंच जाए। तो अहम प्राणिवाकः आपने ऐसा कपिल सिब्बल की बातें क्यों करने, सुब्रमण्यम स्वामी जी की बातें करते हैं। सालवे की बात कर सकते हैं अपन, सालवे की बात। साई दीपक है जो मंदिरों को मुक्त कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। एक तो अपने ग्रुप में भी है सुप्रीम कोर्ट के वकील, आपको पता है कि नहीं? प्रज्ञा जी, एक प्रज्ञा जी है, वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अपने भारत माता वाले ग्रुप समूह में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अहम शिक्षकः करोमी आप कब लगाएंगे?
यदि आपको अस्थि लगाना है तो आपको अस्मि लगाना होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि अस्थि जो है, अस्थि का अर्थ है, ठीक है। तो यदि आपको बोलना है कि मैं विद्यार्थी हूँ, तो आपको हूँ बोलना है ना, मैं विद्यार्थी है तो नहीं बोलेंगे, वो थोड़ी मुंबई टाइप अंग्रेजी हो गई, मैं भी विद्यार्थी है। मुंबई में ऐसा बोलते हैं, मुंबई में ऐसा होता है कि मैं मैकेनिक है। अस्थि का मतलब है, और आपने वो सुना होगा, हम ब्रह्मास्मि, है ना। तो हम ब्रह्मास्मि क्यों बोलते हैं? हाँ, तो उसमें जो अहम ब्रह्मा अस्मि, इन तीनों का वो मिलन है। तो अस्मि जो है, हूँ है। अस्मि तो हम जो भी सीखेंगे वो साथ में उदाहरण के साथ सीखते जाएंगे, ताकि आप उससे संबंध देख सकें कि हम वैसे भी अपनी भाषा में कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। हाँ, ठीक है। तो अस्मि मतलब, और इसी में जैसे ये देखो, अस्थि मतलब है, तो ये हम प्रथम जिसको बोलते हैं हम प्रथम पुरुष, इसी को अंग्रेजी में आप कहते हैं थर्ड पर्सन। अहम के लिए हम बोलते हैं उत्तम पुरुष, जो हम खुद के लिए उपयोग करते हैं। और तीसरा है मध्यम पुरुष, जो कि हम तुम्हारे लिए, तुम या आप, इनके लिए उपयोग करते हैं। तो इसका भी एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको याद रखना भी आसान होगा।
ये सुना है, ये दोनों एक साथ ही उपयोग होते हैं असल में। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मतलब मैं ब्रह्म हूं और वही आप हो। तो तत् आपको याद है, तत् हमने सीखा था, तत् मतलब वो या वह। तो आसी जो है मतलब आप हो या तुम हो, तुम या आप। एक मिनट इसको थोड़ा ठीक है। तो अब ये तीनों आपको समझ गए कि इस पे निर्भर करता है कि आप किसके लिए उपयोग कर रहे हैं। खुद के लिए बोलना है तो अस्मि, तो यदि आप बोल रहे हैं कि अहम विद्यार्थी अस्मि, तो पूरा वाक्य यदि कहना चाहते हैं तो आप अस्मि लगाएंगे, पर अहम विद्यार्थी भी काफी है। जैसे आपने देखा कि मैंने बोला अहम शिक्षक, ठीक है, तो मैं अहम शिक्षक अस्मि भी बोल सकता हूँ, लेकिन कई सारे वाक्यों में वो अंडरस्टूड होता है, मतलब वो पहले से है कि आप बोले चाहे नहीं बोले वो समझ में आता है कि वही बोल रहे हैं। आवश्यक लगे जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका पूरा तत्व पूरा अर्थ यदि समझ में उसके बिना नहीं आ रहा है तो फिर हम अस्मि उपयोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अहम शिक्षक भी पूरा वाक्य है और अहम शिक्षक अस्मि भी उसी का दूसरा रूप है। ये आपको समझा?
जैसे मुझे बोलना है त्वम शिक्षका या भव भवान शिक्षका कि आप शिक्षक हैं, ठीक है, तो इतना मैं बोल सकता हूँ। अरे ये कहाँ से आवाज आ रही है? लेकिन आपके ऊपर प्रश्न आने वाला है। पहले ओजस जी प्रश्न पूछेंगे चारुलता जी से, फिर आप उत्तर दीजिए। से जो लगाना आप लगाइए, आपने प्रश्न पूछिए।
चारुलता जी, चारुलता महोदया, मतलब ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है ओके, तो ये जो सारे शब्द हैं ये अस्तु है। कुछ बोला, हम बोलते हैं अच्छा। बरा तो ये बरा जो है वही है, अस्तु है। अभी आपको परिचय थोड़ा सा देना समझ में आया, क्योंकि अभी धीरे धीरे एक कक्षा में हम जब पहुंचेंगे तब मैं आपको पूरा परिचय कहने के लिए बोलूंगा। तो पहले मैं अपना पूरा परिचय दूंगा 4-5 वाक्यों में, और फिर आप भी आराम से अपने अपने परिचय देंगे। तो अभी मैंने किससे चालू किया? मम नाम अंशु, अहम शिक्षक। परिचय किम चारुलता महोदया? प्रश्न पूछिए।
कपिल जी से या ओजस जी से, जिससे भी पूछना। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि भवत्याः परिचयः किम्, तो आप उस तरह से भी पूछ सकती हैं, भवत्याः या भवतः परिचयः किम्। परिचय किम, परिचय तो पूरा दे लीजिए। अहम कपिलः, और उसके आगे आप वो भी तो बताने वाले हैं ना, अहम प्राण विवाकः, या पहले नाम और आप क्या करते हैं, ऐसे दो चीज बता रहे हैं अभी हम परिचय। नाम अंशु, अहम शिक्षक, अहम संस्कृतम पाठयामि, पठसि भवान कपिल महोदय। अहम संस्कृतम पठामि।
इम्पोर्टेंसी फिर से एक बार पठामि उत्तमम उत्तमम पठामि अहम के साथ है ना, तो अहम के साथ हमेशा आ वाला जो है पठामि, बाकी जो पठसी पठती है वो बिना आ के होते हैं। सिर्फ प्रश्न पृच्छतु चारु जी। ओजसाय प्रश्न पृच्छतु। किं भवति संस्कृतं पठामि अहं संस्कृतं वदामि।